गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का जीएस कैंपस पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम नूर आलम और आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है ओपेक। जी हाँ, आजकल आप सुने होंगे कि तेल की कीमतों में बहुत भारी वृद्धि हो रही है, जिसको लेके अक्सर मीडिया में खबरें आ रही हैं। तो हम लोग इन बातों पर ना चर्चा करते हुए हम लोग सिर्फ मुद्दे की बात करेंगे, और मुद्दा ये कि ओपेक ये संगठन क्या है, इसके काम क्या हैं और इसमें कौन कौन से देश इसके सदस्य हैं और वो किन किन महाद्वीपों से आते हैं। तो सबसे पहले यहां पर देखें जो ओपेक, इसकी फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, यानी अगर हम इसे हिंदी में कहें तो ये कह सकते हैं तेल निर्यातक देशों का संगठन। तो ये तो हो गई उसकी फुल फॉर्म। अब इसकी बात स्थापना की करते हैं। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। कहां हुई थी? बगदाद में, और बगदाद इराक की राजधानी है और ये दजला नदी के किनारे है। दजला को आज की डेट में टिग्रिस कहा जाता है, लेकिन वर्तमान समय में इसके अगर मुख्यालय की बात की जाएगी ओपेक के, तो इसका मुख्यालय जो है वो वियना में है, और वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है और ये डेन्यूब नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? डेन्यूब नदी के किनारे है, जैसे ये दजला नदी के किनारे था। इसका जो मुख्य कार्य है वो तेल की सप्लाई और उसके तेल की कीमतों को नियंत्रित करना। तो आइए देखते हैं इसके से जुड़े हुए कुछ और फैक्ट्स। तो यहां पर आप देख रहे होंगे इसमें अलग अलग देशों के कौन कौन से ओपेक के मेंबर हैं। जैसे ये लोगो ओपेक का है, ये बहुत सारे मेंबर दिखाई दे रहे हैं, ये अलग अलग कॉन्टिनेंट से हैं जो आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो इसके एक बात और याद रखिए, इसके मेंबरों की संख्या घटती और बढ़ती भी रहती है। कोई भी देश अपनी इच्छा से इसकी मेंबरशिप को छोड़ सकता है और जब वो चाहे तो उसे दोबारा भी ज्वाइन कर सकता है। तो अक्सर ये संख्या घटती बढ़ती रहती है। आज की डेट में अगर हम लोग देखें तो आज की डेट में इसके टोटल मेंबर्स की संख्या 13 है, जो वर्तमान की बात करें, आज जब ये वीडियो बनाया जा रहा है तब तक। आज ही ओपेक की, अभी जस्ट हमने ओपेक की वेबसाइट से ये डेटा चेक किया है, आज फिलहाल आज की डेट में 13 सदस्य हैं। आप भी चेक कर सकते हैं जाके। यहां पर देखें लिखा होगा ओपेक एक अंतर सरकारी संगठन है, इसकी स्थापना 1960 में हुई थी, ये तो सब लिखा हुआ है, ये आप देख रहे होंगे। यहां पर इसमें पांच जो इसके सदस्य हैं वो संस्थापक सदस्य कहे जाते हैं, जो आपके ये दो, ये तीन, चार और पांच, ये पांच संस्थापक सदस्य हैं। तो आइए देखते हैं कि यहां पर अगर हम ओपेक के सदस्यों की बात करें, जैसे अभी हमने कहा कि आज ही अपनी ओपेक की वेबसाइट से देखा था, तो इस पर 13 सदस्य आज की डेट में फिलहाल हैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है। यहां पर आपको लिस्ट 14 की दी हुई है, इनमें से एक सदस्य ने अपनी मेंबरशिप को छोड़ रखा है और वो है इक्वाडोर, यानी इक्वाडोर वर्तमान में इसका ओपेक का मेंबर नहीं है। आई उसकी आप ओपेक की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये घटते बढ़ते रहते हैं, फिलहाल करंट की लोकेशन यही है आज की। तो यहां पर इसके टोटल सदस्यों की संख्या 13 है, वो कौन कौन से हैं तो आप देख रहे होंगे, अल्जीरिया है, गैबन, अंगोला है, कांगो है, भूमध्य रेखीय गिनी है, गैबन है, ईरान है, इराक है, कुवैत है, लीबिया है, नाइजीरिया है, सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है और वेनेजुएला है। तो टोटल सदस्यों की संख्या आज की डेट में 13 है और ओपेक का काम ये विश्व में तेल की कीमतों पर यानी नियंत्रण रखना और उसकी सप्लाई पर।
अगर सर्वो सप्लाई जरूरत से ज्यादा होगी तो तेल की कीमतें गिरेगी, सप्लाई कम होगी तो बढ़ेगी, यानी कुल मिलाकर संतुलन की स्थिति को बनाए रखना। अब अगर हम लोग यहां पर देखते हैं कि कौन कौन से सदस्य वर्तमान में कौन कौन से देश इसके सदस्य हैं, तो देखो यहां पर अगर आप देख रहे हैं ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, ये अफ्रीका है, और ये एशिया है। यानी कि अगर इसके सदस्यों की बात करते हैं तो ये तीन देशों तीन महाद्वीपों से आते हैं। तो देखते हैं कि एक आप सदस्य देश देख रहे हैं जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से आता है, और वो है आपका वेनेजुएला। ये दुनिया का सबसे ज्यादा तेल का भंडार में भी नंबर एक पर है वेनेजुएला। अगर भंडार की बात करता है तो नंबर एक स्थान इसी का है। इक्वाडोर था जो अब नहीं है मेंबर। अब उसके बाद यहां पर बात कर लेते हैं, ये देख रहे होंगे आपने यहां पर, सॉरी अफ्री अब एशिया की बात कर लेते हैं, पहले अफ्रीका को लास्ट में देखेंगे। तो एशिया महाद्वीप में ये वाला देश जो है ये इराक है, ये वाला देश जो है वो ईरान है, ये वाला जो है वो सऊदी अरब है, उसके बाद यहां पर देख रहे होंगे एक ये वाला देश दिखाई दे रहा है, ये जो कतर है जिसने अब मेंबरशिप छोड़ रखी है, अब नहीं है वो मेंबर। उसके बाद एक देश ये दिखाई दे रहा होगा, ये इसका नाम है यूएई, यानी प्रेजेंट टाइम में यूएई, सऊदी अरब, इराक और ईरान। और साथ ही साथ यहां पर एक छोटा सा देश है जिसे हम लोग कुवैत कहते हैं, वो भी इसका मेंबर है। तो एशिया महाद्वीप से कितने होंगे जरा गिनी देखो, कुवैत, यूएई, सऊदी, तीन, ये दो, तो कितने हुए एशिया से आते हैं पांच। अभी दक्षिण अमेरिका से दो आते थे, अब एक ने मेंबरशिप छोड़ दी, अब एक बचा, तो कितने हुए पांच और एक छह। अब इसका मतलब सात कंट्री ऐसे होंगे जो अफ्रीका से आते हैं, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, यानी इस वाली स्लाइड में। तो यहां पर आप देखेंगे हाँ, तो यहां पर देखें जो वर्तमान में या इसी में देख लेते हैं वो सात हैं कौन कौन से, इसी में देख ले फिर आगे की स्लाइड पर बात की बात। तो देखो यहां पर आप देखेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप की जो हम बात कर रहे थे, तो अफ्रीका में वो सात कौन कौन से सदस्य देश हैं जरा उनको देख लेते हैं। तो देखो यहां पर देखेंगे आपको एक देश ये अल्जीरिया है, और ये वाला देश जो देख रहे हैं ये लीबिया है, ये वाला है नाइजीरिया, और ये वाला है अंगोला। तो एक अंगोला यहां से हुआ, नाइजीरिया हुआ, अल्जीरिया हुआ, तीन ये हुए और चौथा ये हुआ। अब जो ये वाला सर्किल आप देख रहे हैं यहां पर, ये तीन देश हैं इस सर्किल में, और वो कौन कौन से देश हैं, एक देश है गयवन, एक है भूमध्य रेखीय गिनी और एक है कांगो। तो अब हम इस वाले डायग्राम को अगले सीट पर दिखा देते हैं आपको, तो यहां पर एक बार बिल्कुल एकदम फाइनली दिखा दें आपको कि देखो कौन कौन से हैं। हम आपको जो जिन्होंने जिन्हों मेंबरशिप छोड़ी है उनको बैक करे दे, उनको उनको यहां से हटा देते हैं। अब आप यहां पर देख सकते हैं इस वाले डायग्राम में, यहां पर देखिए एक वेनेजुएला, अंगोला दो, रिपब्लिक कांगो तीन, गयवन चार, इक्वेटोरियल गिनी पांच, नाइजीरिया छह, एक ये हुआ सात, ये हुआ आठ, कुवैत हुआ नौ, इराक हुआ दस, ईरान हुआ 11, सऊदी अरब हुआ 12 और यूएई हुआ 13। तो ये 13 सदस्य हैं जो आज तेल यानी ओपेक के संगठन है। पहले इसमें 15 हुआ करते थे, जिसमें इन्होंने दो ने मेंबरशिप छोड़ दी, पहले एक ने छोड़ी, फिर
14 हुए, अब एक ने फिर छोड़ी तो अब हो गए वर्तमान में 13। यानी पहले इक्वाडोर ने छोड़ी, फिर 1 जनवरी 2020 में छोड़ दी कुबा कतर ने, तो अब फिलहाल इसके सदस्य देश कितने हैं, 13 हैं। तो अलग अलग कॉन्टिनेंट से आते हैं, यहां पर आपने कॉन्टिनेंट से कौन कहां से आ रहा था ये देख लिया है। फिर हम लोग मिलेंगे किसी नए वीडियो में इसी तरीके की इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए। जब तक आप जीएस कैंपस के और भी बहुत सारे वीडियो हैं इनको देखते रहिए। अगर चैनल पर जानकारी आपको अच्छी लगती है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर करिए। और हाँ, अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताइए। और साथ ही साथ टेलीग्राम से जुड़ने के लिए इस नंबर को जाइए, वहां पर जीएस कैंपस का नाम से एक चैनल मिलेगा, उससे जुड़िए, जिस पर आपको पीडीएफ और बहुत सारे आपको और इंफॉर्मेशन मिलेगी। धन्यवाद।